हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो आपका लैपटॉप होता है HP G4, जिसको अखिलेश वाला भी लैपटॉप कहते हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लैपटॉप हमारे पास है, तो इस पर आप देख सकते होंगे कि ये कुछ लिख के आ रहा है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड या हार्ड डिस्क 3F0। ठीक है, तो अगर ये जो प्रॉब्लम है अगर आपके सिस्टम में आ रही है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम आती है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, तो ये प्रॉब्लम जनरली हार्ड डिस्क की होती है। जो डिवाइस जो है हार्ड डिस्क से, जो आपका लैपटॉप जो है वो बूट नहीं कर पा रहा है, उसको बूट डिवाइस नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए कहाँ से दिक्कत आ सकती है, या तो सबसे पहले तो आपको इसमें विंडोज़ डाल के देखना है, सबसे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देखिए, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत उसी से आती है जब आपका विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लैपटॉप को वो नहीं मिल रहा है, तो वो बताता है कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड। तो अगर आपके में विंडो नहीं है तब भी यही प्रॉब्लम दिखाएगा। फिर नंबर दूसरे पर आता है कि आपकी हार्ड डिस्क। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले तो हम इसमें विंडो डाल के देखेंगे, तो जल्दी से मैं इसको कराता हूँ बूट। तो अगर ये प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में आ रही है, तो सबसे पहले आप इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। और ये दिक्कत आती कब है, ये दिक्कत ज़्यादातर तब आती है जब आप इसको फॉर्मेट कर रहे होते हैं और बीच में फॉर्मेटिंग रुक जाती है, या किसी वजह से आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, तो ये तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको अब बूट करा के हम लोग देखते हैं, और इसमें विंडोज़ सबसे पहले इंस्टॉल करके देखेंगे। अगर विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर विंडोज़ डाल रहे हैं हम और फिर भी विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रही, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अगर विंडोज़ तब भी नहीं इंस्टॉल हो रही हैं, तो आपके हम डिफरेंटली हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, तो तब क्या करना रहेगा, आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो बूट मेन्यू है, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ आपको कि जो बूट मेन्यू दिख रहा है, तो वहाँ पे देखिए इंटरनल DVD रोम और ये मेरी HP की पेन ड्राइव है, ये भी दिख रही है। तो यानी कि इसमें हार्ड डिस्क है ही नहीं, यानी कि या तो है ही नहीं, इसमें पड़ी ही नहीं है, या फिर वो ख़राब है इसलिए नहीं हो रही है। तो चलिए इसको अब बंद करते हैं, यहाँ पे हार्ड डिस्क ये शो नहीं कर रहा है, तो अब इसको हम बंद करके और दूसरी हार्ड डिस्क लगा के चेक करते हैं। पहले तो देखते हैं इसमें हार्ड डिस्क है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क ही ना हो, तो वो देखना ज़रूरी है। तो जल्दी से खोल के इसको देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क हमारे लैपटॉप में है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो है हमारी इसमें, लेकिन फिर भी ये बूट डिवाइस नॉट फाउंड एरर दिखा रहा है। तो अब हम इसमें दूसरी हार्ड डिस्क लगा के चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो जल्दी से हार्ड डिस्क चेंज करके देख लेते हैं। तो मेरे पास एक दूसरी हार्ड डिस्क है, उसको मैं इसमें लगाऊंगा। ये मेरे पास दूसरी तोशिबा की हार्ड डिस्क है, इसको लगा के इस पर चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो ये मैंने रख दी साइड में और इसको मैं लगाऊंगा। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले से ही पड़ा है, तो इसको हम लगाने वाले हैं ये, और अब ऑन करके देखते हैं हम कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है या नहीं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऑन करते हैं। तो देखिए अब ये सिंपली देखिए विंडोज़ जो है वो हमारी स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट विंडोज़, और हमारी जो विंडोज़ है वो स्टार्ट होने लगी है। तो फ्रेंड्स आज समझ हो गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आई है। हालांकि ये विंडोज़ पूरी खुल नहीं रही है क्योंकि शायद एरर है कोई या कोई दिक्कत है, लेकिन जो हमारा इसमें भी हमें लग रहा है वो हमको डालना पड़ेगा। सेफ मोड में ऑन करके देख लेते हैं। हमें लग रहा है इसका भी जो हार्ड डिस्क रखी रहती है ना, तो ये इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है। तो सेव मोड में ऑन करके देखते हैं, नहीं हो पा रहा है। हमें लग रहा है फिर से ही इसमें विंडोज़ करनी पड़ेगी। तो अगर आप इसमें विंडोज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली चलने लगेगा। देखिए यहाँ पर भी हमारी हार्ड डिस्क शो कर रही है। अगर हम इस पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी विंडोज़ जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ से देखिए, और ये हम फिर से कर रहे हैं, ये देखिए बूट फ्रॉम डिवाइस और ये आ गया। तो इस तरह आप अगर आपके मोबाइल लैपटॉप में भी बूट डिवाइस नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो चेंज करनी है, विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। फिर उसके बाद में अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं हो रही है, हार्ड डिस्क नहीं दिख रही है, कभी कभार क्या होता है विंडोज़ नहीं पड़ी होती तभी ये दिक्कत आती है। तो सबसे पहले विंडोज़ चेक करिए, फिर आप हार्ड डिस्क चेंज कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि कैसे लगा आपको ये वीडियो। अगर कोई और प्रॉब्लम है जो जिसका सलूशन आपको जानना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।